दोस्तों मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिले। हेलो दोस्तों, स्टडी किंग पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट बातें। अब से मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसके अंदर हम हिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें, यानी हिस्ट्री को पूरा डिटेल्स में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है सबसे पहले हरप्पन सिविलाइजेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री जो है हरप्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुई। हरप्पन सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर है हिस्ट्री का, लेकिन उससे पहले भी हिस्ट्री जो है थी यहां पर। तो उससे पहले क्या चीजें थी, उन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। आज तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एवोल्यूशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी इंडियन सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो टाइम टू टाइम चेंज होते गए, एडप्ट करते गए खुद को। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो बनता है प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट बनता है प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स की हेल्प से मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, द अर्लिएस्ट ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया डेट्स बैक टू 5 लाख BC। आप आइडिया लगाइए, बीसी है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट से 5 लाख साल पहले ह्यूमन हैबिटेशन इंडिया में थी। ठीक है, अब ये कैसे कह सकते हैं कि 5 लाख साल पहले थी? अब देखो, हिस्ट्री जो है प्रूफ मांगती है, हिस्ट्री जो है वो जो लिखते हैं तो कुछ ना कुछ चीजों को आधार मानकर लिखी जाती है। ज्यादातर आधार होता है रिटन चीजें, लेकिन क्योंकि 5 लाख साल पहले की कोई भी रिटन प्रूफ हमारे पास नहीं है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो वहां पर टूल्स हमें मिले उस समय के, या जो वेपन्स हमें मिली, उसके आधार पर हमने ये माना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन उस समय में भी थी। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हमें एक बात क्लियर हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा, नो रिटन डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट इस समय का नहीं है हमारे पास। अगला देखिए, हिस्ट्री इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड वेपन्स यूज्ड। तो जब हमारे पास रिटन का कोई प्रूफ नहीं है, तो हमने क्या किया, जो टूल्स और वेपन्स उस समय के थी उनको माइंड में रखते हुए उनके ऊपर शोध करके हमने ये पाया कि ह्यूमन हैबिटेशन 5 लाख BC पहले भी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द अर्लिएस्ट इनहैबिटेंट्स, जो सबसे पहले जो हैबिटेंट्स थे जो भारत में रहते थे, वो क्या करते थे, स्टोन का इस्तेमाल करते थे। किस लिए? टूल्स और स्टोन्स को बनाने के लिए। यानी जो टूल्स और वेपन जिनको आधार मानकर हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन हैबिटेशन 5 लाख साल पहले, 5 लाख साल BC पहले था, तो वो टूल्स कैसे बने थे? वो बने हुए थे स्टोन्स के। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो टूल्स हमें मिले वो स्टोन के बने हुए थे, इस समय को बोला गया स्टोन एज। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द वेपन्स, ठीक है, अब ये जो टूल्स मिले और जो वेपन्स मिले वो अलग अलग साइज के थे, उनका नेचर भी अलग अलग था। ठीक है, और उसी के आधार पर उसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया, डिवाइडेड इंटू 1, 2 एंड 3। सबसे पहली टाइप बनी ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, इसको बोला गया पैलियोलिथिक एज। फिर बना मिडल स्टोन एज, इसको बोला गया मिसोलिथिक एज। फिर आया न्यू स्टोन एज, इसको बोला गया नियोलिथिक। नियो का मतलब ही होता है न्यू, तो नियोलिथिक एज। तो हमें अब डिटेल्स में यह पढ़ना कि ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज आखिर है क्या। ठीक है दोस्तों, तो आइए इनके बारे में अब समझते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने मैंने लिख दिया है द ओल्ड स्टोन एज के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, बेसिक स्टोन टूल्स यूज्ड विच वर लार्ज रूड एंड रफ, यानी अनपोलिश्ड। यानी इस टाइम की खास बात क्या थी
कि जो इस समय के लोग थे वो जिस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते थे उसमें स्टोन का इस्तेमाल तो होता ही होता था, वो तो आगे वाले जो आपके मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज आएगी उसमें भी हुआ। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या था कि इस समय जो स्टोन्स इस्तेमाल किए गए वो लार्ज थे, यानी बड़े साइज के थे, वो उबड़ खाबड़ थे और खुरदरे थे, ठीक है, वो पॉलिश नहीं थी। और दूसरा जो पॉइंट है इससे आप समझ पाएंगे कि सेम टूल्स वर यूज्ड टू चॉप मीट, कट वुड एंड हंट एनिमल्स। एक ही तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था, टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था मीट को काटने के लिए, वुड को काटने के लिए भी और जानवरों को मारने के लिए भी, यानी वैरायटी नहीं थी उस समय। नेक्स्ट देखिए, दिस वर कॉल्ड हैंड एक्सेस, और इनको क्या बोला गया, हैंड एक्सेस बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं कैसे कह पा रहे हैं कि ये सब चीजें थी, हमें इसकी दो स्पेसिमेंट्स मिली। कहां पर मिली, एक तो सोन रिवर के पास मिली और एक चेन्नई मिली जो साउथ इंडिया में है। और ये सोन रिवर कहां, वेस्ट पंजाब का जो एरिया पड़ता है वहां के आसपास हमें मिला। दो स्पेसिमेंट्स मिले, जो हम ये कह रहे ना हैंड एक्सेस, इसके दो हमें स्पेसिमेंट्स मिले। तो इस वजह से, क्योंकि वहां पर हमें मिले और कहीं पर नहीं मिले हैं, इसलिए हमने इनको सोन सिविलाइजेशन और चेन्नई सिविलाइजेशन भी कहा गया है, ठीक है। तो इनको सोन सिविलाइजेशन और चेन्नई सिविलाइजेशन भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोथ स्पेसिमेंट्स शेयर सिमिलर हिस्टोरिक टाइम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, ये पंजाब में है सोन रिवर के पास और ये चेन्नई में है, साउथ में है। तो इतनी दूर दूर होने के बावजूद ये क्या कर रहे हैं कि सिमिलर हिस्टोरिक टाइम और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में पाए गए, जिससे हम बता सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एक ही समय के थे। आगे देखिए, मैन डिडंट नो फार्मिंग, उस समय के लोगों को फार्मिंग का नहीं पता था कि फार्मिंग कैसे की जाती है, और ना ही उस समय आग की इजाद हुआ था, यानी आग के बारे में उस समय नहीं पता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे वेर नोमैडिक, नोमैडिक होते हैं वो जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनका एक फिक्स जगह पे घर नहीं होता, इसीलिए यहां पर लिखा है नो डेफिनेट होम। तो क्या नेचर था, वो बस इधर से उधर और उधर से कहीं और मूव करते रहते थे, ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी जगह पे नहीं रहते थे। किस समय पे, ओल्ड स्टोन एज के समय पे। फूड जो था वो कहां से, नेचर से ही प्रोवाइड होता था, जैसे फल खा लिए, हर्ब्स, फ्रूट्स, मीट, ठीक है, जिन जानवरों को मारते थे उसका मीट खा लेते थे, तो कच्चा ही मीट खाया जाता था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम फायर इन्वेंट नहीं हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे वर फूड गैदरर्स, वो फूड गैदरर्स तो थे लेकिन फूड प्रोड्यूसर्स नहीं थे, यानी वो फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, लेकिन जो फूड उनको मिल गया उसको जरूर कुछ समय के लिए वो इकट्ठा कर लेते थे। लास्ट पॉइंट देखिए इसमें क्या है, दिस एज केम टू एन एंड अराउंड 8000 बीसी इन इंडिया। भारत के अंदर ये 8000 बीसी के आसपास इस एज का खात्मा हुआ, और उसके बाद आई आपकी मिडल स्टोन एज, जिसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मिडल स्टोन एज के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, इन इंडिया दिस एज लास्टेड फ्रॉम 8000 टू 4000 बीसी। तो ये 8000 से लेके 4000 बीसी तक आपकी मिडल स्टोन एज रही, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मॉल साइज टूल्स वर यूज्ड। देखिए, इससे पहले जो आपका ओल्ड स्टोन एज था उसमें जो वेपन्स थे और जो टूल्स थे उनका साइज था बड़ा। मिडल स्टोन एज में क्या हो गया, इन हथियारों का और इन वेपन्स का कहें और टूल्स का जो साइज है वो छोटा हो गया, ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम टूल्स हैव बीन, अब कहां कहां पर ये टूल्स पाए गए हैं उसके बारे में बताया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये वो जगह है जहां पर मिडल स्टोन एज से बिलोंग करने वाले टूल्स
मिले हैं। ठीक है, हमने देखा था कि ओल्ड स्टोन एज में सिर्फ दो ही साइट्स थी, लेकिन यहां पर खूब सारी हैं। मैन स्टार्टेड टेमिंग, टेमिंग होता है बस में करना, ठीक है, कंट्रोल में करना। तो इस समय के लोगों ने एनिमल्स को कंट्रोल करना सीख लिया था, पालतू बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये हुआ कब? टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस एज, यानी जब ये एज खत्म होने के आसपास हो गई, 4000 बीसी के नियर अबाउट ही ये काम हो पाया था, स्टार्टिंग में नहीं हो पाया था। ये फार्मिंग एंड पोट्री वर आल्सो इंट्रोड्यूस, ये भी एक मेन डिफरेंस है। ओल्ड स्टोन एज में फार्मिंग नहीं थी, इसमें होगी, यानी लोग प्रोड्यूस करने लग गए, ठीक है। पोट्री यानी कि जो बर्तन है, मिट्टी के बर्तन जो है, वो भी इस समय में आ गए थे, ठीक है। अब देखिए क्ले क्राफ्ट, यानी मिट्टी के ऊपर जो कला बनाई जा रही थी, कलाकारी की जा रही थी, वो जो है मैन्युअली होती थी इस समय में। मैन्युअली का क्या मतलब? हाथ से होता था, ठीक है। फिर देखिए द पोटर्स व्हील वाज येट टू बी इन्वेंटेड, यानी जो चक्का होता है जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो अभी इन्वेंट नहीं हुआ था मिडल स्टोन एज के समय में, ठीक है। तो आइए अब सीख लेते हैं कुछ बातें न्यू स्टोन एज के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं न्यू स्टोन एज के बारे में। देखिए न्यू स्टोन एज में क्या है कि सबसे पहला पॉइंट क्या गिवन है कि स्पेसिमेंस आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया। तो न्यू स्टोन एज के जो स्पेसिमेंस हैं वो पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिमेंस मिले वो न्यू स्टोन एज के ही मिले हैं। सेकेंड पॉइंट क्या था? वेपन्स यूज्ड वर स्मूथर एंड शार्पर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा कि ओल्ड स्टोन एज में जो हथियार थे, वेपन्स थे, वो बड़े साइज के थे, मिडल स्टोन एज में वो छोटे साइज के हो गए। जो न्यू स्टोन एज में है ना, वो हथियार जो है वो स्मूथर भी हो गए और शार्पर भी हो गए, ठीक है। यानी अब वो और ज्यादा नुकीले और धारदार थे, ठीक है, और वो हथियार ऐसे थे जिनको इस्तेमाल कर पाना काफी आसान था, यू नो, यूजर फ्रेंडली टाइप के हथियार इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री डेवलप टू, जो एग्रीकल्चर, हालांकि ये मिडल स्टोन एज में भी ऐसा हो गया था कि वो एग्रीकल्चर यानी फूड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन न्यू स्टोन एज के आते आते उन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया और वो काफी कारगर साबित हुआ और वो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है फूड को प्रोड्यूस करने लग गए। फिर देखिए पीपल स्टार्टेड लिविंग इन परमानेंट हाउसेस। इससे पहले क्या होता था, ज्यादातर लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, लेकिन न्यू स्टोन एज के आने पे क्या हुआ, लोगों ने ठहराव की पॉलिसी अपनाई और वो एक जगह पर रुकने लग गए। उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट्स बनाई, अपने घर बनाए और वहीं पर रहने लग गए। फिर देखिए पोटर्स व्हील वाज इन्वेंटेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले पोटर व्हील यानी जो चक्का जिसपे हम बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, वो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ था, ये इन्वेंट हुआ है आपका न्यू स्टोन एज में जाके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फायर वाज इन्वेंटेड, न्यू स्टोन एज में आके फायर भी इन्वेंट हो गया, यानी लोगों को फायर का इस्तेमाल करना भी आ गया, जिसकी वजह से जानवरों के ऊपर काबू पाना और ज्यादा आसान हो गया। पीपल लर्न टू वीव क्लोथ्स, उन्होंने कपड़े सिलना, पहनना, उनको सही तरीके से यूज करना वो भी सीख लिया था। इसके बाद आपकी आती है मेटल एज। देखिए आफ्टर द न्यू स्टोन एज मैन लर्न टू यूज कॉपर, कॉपर का इस्तेमाल करना उन्होंने सीखा। स्टोन एज में वो स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन मेटल एज में आते आते उन्होंने कॉपर यानी मेटल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दे ब्लेंडेड, उन्होंने मिक्स किया किसको, टिन को और कॉपर को, टिन को और कॉपर को मिला के एक एलॉय प्रोड्यूस किया उन्होंने, जो बना आपका ब्रोंज, यानी उस वक्त के लोगों ने ब्रोंज का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। इसी कारण से इस एज को कॉपर स्टोन एज बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टोन का इस्तेमाल छोड़ा नहीं था। यानी ये बात ऐसी है कि पैरेलल में ये बातें चल रही थी, कहीं जगह पे वो स्टोन का इस्तेमाल भी कर रहे थे हथियारों और टूल्स में, और कहीं कहीं पर हम पाते हैं कि कॉपर का, ब्रोंज का, इनका इस्तेमाल भी खूब हुआ। तो इस एज को
एक मिक्सर की तरह देखा गया और उन्होंने कहा कि कॉपर स्टोन एज इसका नाम रखा गया। और हम जो पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जिसको बोला जाता है हरप्पन सिविलाइजेशन, वो जो है वो इसी एज से बिलोंग करती है, वो मेटल एज से बिलोंग करती है। ठीक है दोस्तों, तो हरप्पन सिविलाइजेशन से शुरू करने से पहले हमारे माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए कि हिस्ट्री में उससे पहले क्या हुआ। तो मैंने आपको बिल्कुल जितनी मेरी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें बताऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो प्लीज कमेंट करें और मुझे बताएं। आप प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों।